नमस्कार दोस्तों, मैं देव शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि नीट एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, कब होगी परीक्षा और कब जारी होंगे एडमिट कार्ड। जाने सभी सवालों के सटीक जवाब सत्यता से आपका जो है वो सामना मैं करवाने वाला हूँ। जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम फैक्ट है, उस पर आप एकदम आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। नीट परीक्षा का आयोजन 3 मई 2020 को किया जाना था, लेकिन 27 मार्च रोक एक नोटिस जारी करते हुए परीक्षा के स्थगन की जानकारी दी गई। नोटिस के मुताबिक परीक्षा का आयोजन अब मई के अंत में किया जा सकता है। नीट 2020 का जो एडमिट कार्ड है वो 27 मार्च को जारी होना था, लेकिन 27 मार्च को ही नोटिस जारी करते हुए एनटीए ने इस परीक्षा को स्थगित होने की जानकारी जो है वो दे दी। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 3 मई 2020 को किया जाना था। यहाँ हम आपको इसी एग्ज़ाम से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। पहला सवाल है आपका कि क्या नीट 2020 परीक्षा कैंसिल हो गई है? यह परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है, केवल टली है, यानी केवल इस परीक्षा का समय आगे बढ़ाया गया है। स्थिति सामान्य होते ही इस परीक्षा का फिर से आयोजन किया जाएगा। नीट 2020 परीक्षा का आयोजन कब होगा? तो नीट परीक्षा का आयोजन 3 मई को किया जाना था, लेकिन देश भर में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक परीक्षा का आयोजन मई के अंत में किया जा सकता है। नीट परीक्षा 2020 की एडमिट कार्ड कब जारी होंगे? तो हम बता दें कि परीक्षा के एडमिट कार्ड सामान्य तौर पर परीक्षा से एक महीने पहले जारी होते हैं, लेकिन फिलहाल परीक्षा की तारीख तय नहीं है। अगर अप्रैल के बाद हालात सामान्य होते हैं तो एडमिट कार्ड मई के पहले हफ्ते में भी जारी किए जा सकते हैं, या फिर परीक्षा के 10 या 15 दिन पहले भी जारी हो सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लगभग 15 से 20 मई को जो है वो एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नीट 2020 परीक्षा ऑनलाइन होगी या कैसे होगी। तो नीट एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो उसका आयोजन एनटीए करता है, और यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित ही आयोजित होती है। आवेदकों को केवल परीक्षा देने केंद्र परीक्षा केंद्र आना होता है। फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट जारी होने तक सब ऑनलाइन होता है, लेकिन जो परीक्षा है वो ऑफलाइन करवाई जाती है। पेन पेपर मोड जो है वो आपको वहीं पे जो है उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। पांचवा सवाल है, नीट परीक्षा साल में कितनी बार होती है? तो हम आपको बता दें कि यह परीक्षा साल में केवल एक बार आयोजित होती है। इस परीक्षा का आयोजन एनटीए करवाता है। नीट परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं? तो इस परीक्षा में बैठने की कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट में संशय बरकरार है, तो उसका जो है वो कैसे रोल आउट इसमें होता है, तो वो वहाँ पे जो है वो आपको क्लियरिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो मैं उस समय आपको बता दूंगा कि क्या कुछ जो है वो आपके पास यहाँ पे न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी जो क्वेश्चंस है इसमें मेन क्वेश्चन ये निकल के आता है कि एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 15 मई के समथिंग जो है वो एडमिट कार्ड जारी होंगे, और लगभग जून के पहले हफ्ते में या जून के सेकंड वीक में जो है वो एग्ज़ाम होना तय माना जा रहा है। तो वो देखते हैं क्या कुछ जो है वो यहाँ पे एनटीए के द्वारा ऑफिशियली जो है बताया जाता है, उस समय मैं आपको जो है वो और वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवा दूँगा। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए दोस्तों, अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।